हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरी कॉलेज की दो बिल्डिंग्स, मेमोरियल यूनियन और म्यूज़िक हॉल। पूरी कॉलेज तो बताना अभी एक वीडियो में इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं म्यूज़िक हॉल और मेमोरियल यूनियन। तो अब मैं लाइब्रेरी से मेमोरियल यूनियन जा रही हूँ। मेमोरियल यूनियन एक बिल्डिंग है जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोर्स या फिर एक कॉलेज नहीं है। और जो मेरा डिपार्टमेंट है, मतलब जो मेरी पढ़ाई का जो डिपार्टमेंट है, वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ से वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो चलो आ गया मेमोरियल यूनियन। मेमोरियल यूनियन सबसे पहले स्टार्ट होता है कैफेटेरिया से। तो जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, तो वो वाला जो टेबल था, वो वाला वोटिंग टेबल था फॉर स्टूडेंट गवर्नमेंट। तो अभी आगे चलते हैं। आगे है कैंटीन, स्टारबक्स और बुक स्टोर। तो चलो। और मुझे ऐसा लगता है कि कैंटीन थोड़ी सी महंगी है। तो कैंटीन के आगे है बुक स्टोर। बुक स्टोर में सिर्फ बुक्स नहीं मिलती, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी मिलती है। तो बुक स्टोर के अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। तो आ गई हूँ मैं बुक स्टोर के अंदर। ये जो है वो है एलईडी लाइट, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है जैसे टी शर्ट्स, फिर बॉटल्स है, और ये छोटू सा क्यूट सा टेडी। यहाँ पर है सारी बैग्स। मेरे पास ऐसी वाली बैग है बट पिंक कलर की है, और ये सारी नॉवेल्स और वाटर बॉटल्स। और ये मेरा फेवरेट पार्ट, ये है पेंट कलर्स, कैनवास, ब्रशेस। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये सब कुछ है ओवर प्राइस्ड। फिर ये सारे मग्स हैं, और फिर वापस से सारे टी शर्ट्स। फिर उसके बाद मैं आ गई बाहर। तो कैसा लगा आप सबको बुक स्टोर? बुक स्टोर से हम लोग बाहर जाते तो है स्टारबक्स। तो अब मैं आ गई वापस से कैफेटेरिया के पास, और ये है कैफेटेरिया। फिर कैफेटेरिया से जब हम नीचे जाते तो है इंटरनेशनल ऑफिस। मुझे इंटरनेशनल ऑफिस में कुछ काम था तो इसलिए मैं गई थी वहाँ पर। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज़ के फ्लैग लगे हैं जहाँ जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं। तो अब मैं बताने वाली हूँ सबसे बेस्ट कॉर्नर ऑफ माय कॉलेज, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। हाँ, तो ये है ब्यूटीफुल सी लेक विद ब्रिज और क्यूट सा सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये है बेस्ट थिंग ऑफ माय कॉलेज फॉर मी। लेट्स गो इनसाइड। तो मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर सारे हॉल्स हैं जहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो ये ऊपर वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा सेक्शन है कि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि मुझे कौन से वाले रूम में जाना है और कैसे जाना है। तो अब मैं जाने वाली हूँ मेमोरियल यूनियन से बाहर। तो बाहर जाने से पहले ये जो दिख रहा है वो है स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट सेंटर। फिर मैं आ गई हूँ बाहर। ये वाली जो बिल्डिंग है वो है लिटरेचर की बिल्डिंग। तो इसका बस लोअर फ्लोर मैंने बताया, तो देखते हैं चलो। तो ये है सारी क्लासेस और ऑफिसेस आर्ट्स लिटरेचर की। तो ये बिल्डिंग के बाजू में है म्यूज़िक हॉल, और इसके सामने है इस्लामिक सेंटर मतलब मस्जिद, और ये है म्यूज़िक हॉल। म्यूज़िक हॉल का जो वीडियो है वो मैंने नेक्स्ट डे पे लिया था। तो ये है म्यूज़िक हॉल का बेसमेंट,
और हाँ, कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि कैंपस का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो ये सारी है म्यूज़िक हॉल की ऑफिसेस। और ये है मेरा फ्रेंड कॉर्की, से हाय। तो यहाँ पर पड़े थे कुछ नट्स, चिप्स और नाचोस, तो मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ। और खालिद बोल रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा लेना। तो जब मैं घर पर वापस आ रही थी तो फिर मैंने पार्क में देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, तो फिर मैंने सोचा आर्याना को लेकर जाते। तो यहाँ पर मैं और आर्याना पार्क जा रहे हैं। ये पार्क है चर्च के सामने। मैं थोड़ा लेट आई थी इसलिए पार्क में कोई भी नहीं था। तो अभी हम लोग आ गए पार्क के अंदर और आर्यन इज एंजॉयिंग। और ये आर्याना का छोटा सा घर। तो जैसे मैंने बोला था कि ये वाला जो पार्क है वो चर्च के सामने है, तो अभी हम लोग आ गए चर्च में। चर्च में ऐसा स्टोर होता है जहाँ सारे लोग कपड़े डोनेट करते हैं और फिर जो चर्च वाले हैं वो लोग रीजनेबल प्राइस पे, जैसे $1-$2 पे बेचते हैं। तो ये था कपड़ों का सेक्शन, शूज़ का सेक्शन है और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं। तो यस, इतना था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।